आज रोली मत करिए, तू बहुत रोली करे करे। तू भागिए मत, बस तू हार तू ही भाग। मैं हारते ही नहीं भागूंगा, बस तू रोली मत करिए। भागिए मत, ओए तेरे पे 7 गोलियां मेरी आज देकर जाइए, बता रहा हूँ पहले। तेरा ही कर्ज ना उतरता। हाँ तो देवगा जब ही तो उतरेगा। तू बहुत लगावे लगा के ना घेरनी है। अरे लग रही है ये, नहीं तो देख ले। लगा के नहीं घेर। चल देख अब। अब बता। रुको रुको, मैं बता रहा हूँ। हाँ तू बता। ये वाली फिर ले गया। आज कर्ज फेर होगा दिखे। अरे आज फिर जीतेगा यार। कहाँ है वे मेरा? फिर आओ। यहाँ आ जाओ अब क्या? और तू गेर पहले। आ तू आप। तू भी आ जाई तो गया लंबा। रहगी। चलो उधर बापू आ लिया उधर। ओए कोई बापू अपू आओ, ऐसे कैसे भाग जाएगा? अरे तेरा भी तो आ लिया। ओ तेरी, ये तो भग गए सारे। तू भी भग जा, तेरा भी आने वाला है। मेरा ना आने का। अरे जा देख, वो फजलू भी आन लग रहा है पीछे ते। आए खिलनिया हैं। अरे तुम्हारे वाला भी आ रहा दिखे। रविंदर तारिस है और छुट्टी जरूर बता दिए भैया। एक हफ्ते की छुट्टी है इसकी। अच्छा ठीक है। खा ले कुछ और ला। अरे थोड़ी सी छाए ले आती। छाए तो सवेरे खत्म हो गई थी। वो ही पी गया होगा सब लाट साहब। वही खाओ, ऐसे घर में सारी चीज, तुम कुछ नहीं खाते। हाँ भाई आलिया काम चोर, सूरज निकलते तू घर से निकल जा और खान को आ जा। हाँ खान को तो तू आ रहा, तने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? तोड़ूंगा तो मैं तुझे आज। छोटन के लुंडे के हाथ पैर क्यों बांधे तने? मैं क्यों बांधता, सब खेल रहे थे, खेल में हारेगा तो न्यू ही बांधेंगे। तू बुढ़ा लोग उन बालकों में बढ़ के खेल ले और उन्हें पिदाए जा, कुछ काम ना तुझे। क्यों काम ना करता हूँ मैं? तने कौन सा काम कर दिया भाई? मैं 2 घंटे से सड़क पे खड़ा हूँ, अक्षित की बस आने वाली थी, से लेके ना आया हूँ। अरे ओ सियाने कौवे, बस का टाइम तो इब हुआ, इतनी देर से क्या तू अपनी ऐसी तैसी मरवा रहा था? तुम कैसे बाप बेटा इसके पीछे पड़े रहे हो? एक तो यू काम करे है, ऊपर से तुम इसे सुनाते रहे हो। चल रहे तू दूध पी, उधर आ। हाँ दूध पिला दूध इसे नाक को। बाप भी तो तुम ही हो। हाँ तू ना है नागिन इसकी माँ। ऐसा बाप भी मैं पहली बार देख रही हूँ जो बेटा के दूध को भी कस रहा बैठ के। देख चंद्रो यहाँ लग रही है खुजाए। देख रही हूँ मम्मी। राम राम मौसी, कहाँ बढ़ रही हो? राम राम भैया, कहीं ना बढ़ रही हो रही है। अरे भैया राम राम। राम राम मौसी, मारी बाण पे के हत्या सी करवा रही हो? अरे हत्या ना करवा रही, डंगवारा तार रही है यो। मैं भी इसके सिर में नई आग लगा करूँ। तू सुना। अरे मेरा के सुनाना, थारा पोता हुआ है और मैं चंद्रो को लेने आया हूँ, इसे भेज दो। ले जा भैया तेरे बहन और अपने जीजा से पूछ लिए। अरे माँ जी उनसे के पूछनी, वो तो थारे बिना सांस भी न लेते। तुम अपनी बताओ। मैं के बताऊं भाई, तेरा भैया आया ऐसे चाय वाय पिया और लत्ता पैर अर जा, अपने साजन को तू जाने। अरे माँ जी उन्हें तो मैं अपने आप सीधा कर लूंगी, तुमने कह दी बस। मम्मी मम्मी मेरे पेपर आ रहे हैं। हाँ ये भी बात है। अरे सुन, हो जाएंगे तेरे भी पेपर वेपर, तू बड़ा पीएचडी कर रहा है। चल तू भी कपड़े पहन ले चल। ना भैया
इसके पेपर दुआने बहुत जरूरी है देख, फीस बहुत ज्यादा महंगी जावे। बेटा इधर आ। बेटा मैं तेरे लिए केला लाया, जब तेरे दोनों पेपर हो जाना दो चार दिन में फिर अपने पापा के साथ आ जाइए। ना भाई रामपुर, मेरा भी उतना बिल्कुल। आगे जीजा, जीजा राम राम। राम राम, बैठा रहे बैठा रहे बैठा रहे। मौसा राम राम। राम राम भाई रामपुर, सब ठीक ठाक तो है भाई? हाँ जी सब ठीक, बस आप बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। घर में कुछ काम सा भी फैल रहा है, दो चार दिन का जीजा को भेज दो। क्यों भाई? थारी बहू के बालक हुआ है। अरे यू कौन सा तो यू जा पकड़ेगा। अरे रामपुर मैंने तुझसे बताई तो है कि मुझे मरने का भी उतना है, इतना काम फैला, काम की इतनी टेंशन हो रही है। हमारे तो यहाँ बहुत काम है भाई, तू दो चार दिन की बात कर रहे है, एक दिन की फुर्सत ना। जीजा ऐसा क्यों कहवे, तू के यहाँ अंडे दे रहा है, मेरी वहाँ जान आफत में आ रही है। खेत का काम फैल रहा है, ऊपर तयू बालक होगा, एक काम यू बढ़ गया, नौकर एक काम करने को राजी नहीं। मैं तो तेरे मुंह की ओर को देख रहा था, पर तू भी पूंछ ठाके खड़ा हो गया। भाई यहाँ भी बहुत काम फैल गया, उलाट साहब तो कुछ करता नहीं, दिन भर यारों के साथ हंडा है, रात को बस रोटी खाना आवे। अरे भाई रामपुर तू चिंता ना करे, अक्षित के पेपर खत्म हो जान दे, राजेश को उसे लेके वहीं भेज दूंगा। तू उससे दो दिन नहीं दो साल काम ले लिए, उस काम चोर से जितना काम करा सकता हो इतना काम कराइए। और मैं तो नू कहूँ हर साल उस पे जापा भी कटवाता हो तो जापा भी कटवा लिए। चलो मुझसे ठीक है, तुमने जो कह दी ठीक है। चंद्रो चल कपड़े पहन ले। नमस्ते, और कैसी है रेवती तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षित ना आया? ना वो ना आया। क्यों? उसके दो पेपर रह रहे हैं, उन्हें दे के जब आओगा वो। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही। चल अच्छी बात है। माँ राम राम। राम राम। चंद्र वाली तू? आन में के बिसर रह गया माँ। चोखा तू वाली, काम कर करके मेरी टांग तराजू होली। क्यों फुप्पी ना आई? फुप्पी आया करे, फुप्पी तो टाइम के टाइम आया करे। ए तेरी फुप्पी आओ चे ना आओ, तेरे मामा के रहते किसी काम में कोई कसर नहीं आवे। मामा राम राम। ए राम राम तो है, राम राम तो दादा हमारा काम में इंटरेस्ट है। हाँ हाँ सारा काम तो तू ही करे, काम चोर कहीं का, यही रह के पल गया तू। पाल के तो बल्लम कर दिया था मैं, तेरी ट्रोली भर भर के घस लिया मैं। 20 साल होगी तेरा रट पीट तू पीट तू, एक घूट दूध की ना मिलती, इब कंधे जुआ धरण की और कसर होगी। अरे सुखबीर कैसे दुखी हो रहा? अरे सुखी थे ही कदम। पिताजी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ठीक? हाँ जी मैं ठीक हूँ। और चौधरी साहब? वो भी ठीक है। और हमारी समझ? उनसे ज्यादा मजे तो कोई ले ही नहीं रहा पिताजी। और आप कैसे हो? ठीक है, तो दिन छिपती सार जा। अरे मेरे यार छोरी का आके बदनाम कर लग रहा मुझे। बदनाम? हाँ बदनाम तो गांव में किसी थी, पूछ ले जाके वही बता देगा किसकी गाड़ में लौट रहा था। तेरी ढाल। अच्छा जैसे तू चंद्रो के ब्याह में सारे गांव में नाली साफ करता फिरा था। भाई जी की नाली तो साफ करनी ही पड़ेगी, अगर मेहमान ना मांगे और गंदगी देखेंगे तो थूकेंगे यहाँ। तारा जिज्जा साड़ो का काम यही होगा, कसम जवानी की। बाबा राम राम। हाँ कौन सी? अच्छा चंद्रो बेटी आएगी तू? राम राम ठीक ठाक है। हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। मालिक आया जी। माँ मालिक कौन है? यो नया नौकर रखा है, इसका नाम मालिक है। यू कैसा नाम है? अरे यू क्या कर रहा? यू गर्म हो रहा पानी, इसे ठंडा कर रहा हूँ। रजता ही ठा ले आके। लो साहब के कहो यू रहा। अरे रजता पानी ठा लिया, शेड़ा सा पानी लिया कहीं ते? मेरा काम पानी पियान का है के। ओहो गलती होगी, तेरा काम तो खून पीन का। हाँ खून पी के थारा मैं पहलवान नहीं हो गया, हमने ना देखा कदीस गात में एक टोपा भी खून। खून ये छोड़ दे के यू। चलो दीदी इनका ड्रामा तो चलते रहेगा। चलो चंद्र। चलो चलो माँ। हाँ बेटे मालिक मेरे पास। यू साहब सुनेगा? हाँ, तो हमने ना सुनी आज तक किसी की। अच्छा बेटे तू मेरी समझते ही नहीं, हजारों तुम ही मर जाओगे, इतने काम की बात बताऊ मैं अगर फिर भी नहीं समझते। ये सारा चश्मा लगा के इनकी उंगली कट गया? क्यों साहब ये सारे नौकर हैं मालिक का, क्या है ये? इनके सालों की मैं दाती क्या करूँगा, छोड़ यार यूं कुछ। और सुना दीदी जिज्जा के हाल चाल है? ठीक है, सारा दिन लगा रहा है बेचारा कोल्लू के बैल की ढाल। क्यों भड़कना, करते कुछ काम धाम? हाँ करे बहुत काम करे, सारे गांव में बालकों को लेकर घूमे जागा, कभी बम्बे में जा कूदेगा, कभी पेड़ पे चढ़ जाएगा, सुनता किसी की है नहीं। वो भी नाच का दुश्मन ही दिखे है। चल अब तो माँ भतेरी वार होली, अब तो लाला को देख ले मैं। हाँ जा देख ले। चलो
अरे हाँ, हाँ। अक्षित के पेपर कल हो जाएंगे खत्म। उसे मेरी गैल भेजना तो मोटरसाइकिल की सर्विस करा के उसमें तेल फुल करवा के मुझे दे दियो। अरे मोटरसाइकिल पे तू तो हवाई जहाज में चला जा भाई, अंबानी की औलाद है तू तो। तो काहे में जाऊं, मैं पैदल जाऊं के। अरे पैदल क्यों जाएगा, बस ना चलने के। तू चले जाएगा बस में, तू तो मोटरसाइकिल ले लेके भगे अपनी ससुराल जावे जब। अरे इसकी तो ससुराल है, तेरी भी ससुराल है के? इसके के मामा लगे हैं वे, कहीं ना कहीं तो ससुराल होवेगी इसकी भी। हर वक्त तान नहीं मारते रहो इसे। जब इसकी ससुराल हो जाएगी ना, यू भी चला जाएगा मोटरसाइकिल पे। दुनिया ना चलती है क्या बस में? पर इसका ही जिरकट है बस में चलते हुए। मारे यहाँ 10 काम पड़े हैं मोटरसाइकिल के। एक हमें साइकिल भी ना मिला करती अपने टाइम पे चलान को। अब तो मैं कोई साइकिल भी ना देवे तो इसमें मेरी की गलती है? तुम्हें भेजना है तो मोटरसाइकिल दे दियो, अरना तुम जानो थारा काम जाने। घर में मोटरसाइकिल खड़ी है, मैं पैदल जाऊं। अरे क्या समझ रहा है यू अपने आप को? कुछ ना, यू माने चढ़ा रखा। हाँ मैंने तो तू भी चढ़ा रखा। बाप बेटा कुछ अपने आप को ज्यादा समझ रहे हो। अपने काम करो तुम। चाचू। अरे परे को मर जा, चाचू वाला चल के यहाँ। चाचू चाचू। हाँ बोल के कह वे। मामा के घर जाना है। हाँ तो चला जा फिर, तेरा बाप ले जाएगा या तेरा बाबा ले जाएगा, मैं क्यों ले जाऊँ? पर मुझे आपके साथ जाना है। अरे मैं ना जा रहा बस में। चाचू चलो, वहाँ मामा की बाइक भी तो है, वहाँ चलाएंगे। अरे वो तेरे बाप का भी गुरु है, वो लगान दे रहा अपनी मोटरसाइकिल के हाथ। अपन कोई भाड़ा बना देंगे, फिर अपन घूमने लगेंगे। देख ले फिर, रोली मत करिए। ठीक है। अरे जा तू ले जाए सब बस से। क्यों कलेश करा घर में, मैं तुझे 500 रुपए फालतू दे दूंगी। 500 रुपए में क्या हो रहा है, मुझे अपनी जीन्स भी तो लानी है। नहीं चल, वो भी दिलवा दूंगी। अच्छा फिर ठीक है, तेरे कहने से जा रहा हूँ मैं, इनके कहने से तो मैं सड़क लो भी ना जाता। हाँ तू तो मेरे कहने से जा रहा, लालची कहीं का। अच्छा मैं लालची हूँ? ना बेटा, तू तो मेरा बेटा सरवर कुमार है, सारी दुनिया से अच्छा मेरा बेटा। अरे माँ तन्ने ही पिछाना हूँ मैं। हाँ इस दाढ़ी को तो कटवा ले, कैसी हुलिया बना रखी तन्ने यू। अरे यू फैशन है, तुझे पता ना आजकल, चाहे मोदी को देख ले चाहे विराट कोहली को देख ले, सबने दाढ़ी राख रखी है। और तू देख, या थोड़ी सी होगी तो मैं मोदी ना लगूंगा। चल जा तू, इसे छोड़िया तू जा। हाँ भाई चले। चलो चल तो। देखा दीदी कितना सोना लाला हुआ है, पूरे मोहल्ले में ना जैसे मारे हुआ है। हाँ बिल्कुल रामफूल पे गया है, और आंख देखी, आंख तो बिल्कुल मेरे जैसी है। हाँ और नाक देखी, बिल्कुल मेरे जैसी है, बिल्कुल मेरे पे। हाँ, गई है ये तो है। और उंगली, उंगली तो बिल्कुल पिताजी पे है, लंबी लंबी। और कान किस पे गए हैं? अपने मामा पे गए हैं। ए चंद्रो, तुम आज तो इस छोरे को बंटन चुंटन लगी, जा एक कप चाय बना ले। मामा देखा लाला बिल्कुल रामफूल पे गया है। यू ही गलत हो गया। क्यों मामा? ना तो ही रामफूल कुछ करता, ना यू कुछ करे, सारी जिंदगी मेरी दही टूटनी। ए रहन दो मामा तुम बस। और भाभी ने कह दिया तुझे दूधी दुलाई? भाभी तो बोल भी ना रही। कुंडल मांगे कुंडल, मैंने तो रामफूल से वही कह दी थी कि मैं तो वॉशिंग मशीन लूंगी। हाँ तू तो ट्रैक्टर से जुड़वा ले जा रामफूल वाला। मामा तुम भी कुछ ही कह दो। ए रेवती तू चल वंडी ठा, मैं चिलम भर लूंगा। अरे आया ना अक्षित अभी तक, उसे अपने मामाओं के भी तो जाना था। उसी की बाट देख रही हूँ बैठी भाई, पता ना कहाँ रह गया। अरे कोई उसे लेन भी गया क्या? राजे ऐसी जाओ उसे लेने, उसके सिवा और कौन जाओ उसे लेने। अरे उसका भरोसा मत करो, राम भरोसे गया होगा उसे लेने, लग गया होगा कहीं खेलन। हाँ तू तो न्यू ही कह कर, ठीक है ना, 2 घंटे से सड़क पे खड़ा हुआ, अब बस आई है इसकी। इसके स्कूल में कोई टीचर डे फीचर डे था, लेट आई है बस। अरे भैया तुम जाके दोनों तैयार हो जाओ, लेट मत हो। हाँ और ससुराल जागा इसकी, कोई उल्हाना ना लेगा ये किसी का। अरे यार बाबू क्या हुआ? सोना बाबू। हाँ चुप हो जा, ले बाबा लाला का लाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए लाली तू यहाँ बैठ, मेरी बात सुन। कजिए बाबा मेरे पास काम बतेरा है। तेरे पे के काम आ गया ढल्ली फिरे, नु कह मेरे पे काम आ गया। निक 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 चुप टिक टिक काटी 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 कर। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात सुन, ये तो साले कोई सुनते नहीं, तू मेरी बात सुन। मैं बहुत खराब जाकत है, तू भी पैदा होते ही घोड़ी देने लगा, मुझे पता चल गया, मुझे बिल्कुल पता चल गया, पूरे खानदान ने मिलकर तुझे भर रखा, मेरे खिलाफ भड़का रखा तुझे, मैं समझ गया तेरी बात, तू सुन नहीं रहा मेरी बात, ना सुने। ए लल्ली
ले जाए सही हो भी मेरी कहानी नहीं सुनता। मैं तो सोच रहा था वो सुनाया जितना तुझे, मैं एक बार नहर पे जा रहा था। अच्छा चुप चुप बस, अब नहीं सुनाने का, ले जाइए, यो तो बहुत खराब जाकत हो रहा। इसमें कोई बढ़ जा, सीट घेर लिए। ए मैडम खड़ी हो इस सीट पे। क्यों? सीट घेरी है हमने, मारी है बैनम करा लिए तो। और के यू अक्षित मन ने खिड़की में कोई न्यू फेंक क्या है? बैठी है यहाँ लद के, खड़ी हो। ओ अक्षित तू इसके गोड्डों पे आके बैठ, या तो भक्ति फिरेगी। अरे मुश्किल से हमने यू सीट पे बैठाया, बैग घेर रहा है, सीट घेरी है, मेहनत से सीट मिली है, ये आके बैठगी। हाँ तो बैग घेरी है तो सीट तेरी होगी। और के ऐसे तो अपना बैग फिर बस की छत पे ही ना घेर देता, पूरी बस ही तेरी हो जाती। ये दीते मेरी ओर को मत दिखावे, किसी और को दिखाइए, मुझे तो घर में कोई ना जीन देता, यहाँ ये आग काट रही है। चल रहा है बैठ इसके गोड्डों पे। मैं क्यों बिठाऊं इसे अपने पैरों पे? तू बिठा ले। ओए तू इंगा, इसके इसके बैठ गोड्डों पे, बेफिक्र होके। हाँ यहाँ बैठ जा, मैं बैग ले रहा हूँ और इसे 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 भी बैठाऊं, या तो मैं बैग ले लूंगा तू इसे बैठा ले। अच्छा मैं ठीक कर तेरे तेरे बाल का तेरे बैग का। अरे लाली तूने इस बच्चे की क्यों डुगडुगी बना रखी है, बच्चा तो थारा ही है। ताऊ तेने क्या पता है बालक किसका किसका ना? अरे ताऊ को तो ना पता, तुझे तो पता है, बन रही है ज्यादा मास्टर नहीं। क्रेम पाउडर कंगा सीसा बाल पेन, क्रेम पाउडर कंगा सीसा बाल पेन। मैडम कुछ ले लो मैडम, लिपस्टिक ले लो मैडम, बहुत अच्छी है मैडम। भाई साहब के साथ आप कितनी सुंदर लग रही हो, और सामान ले लो बहुत सुंदर लगोगी। मैडम सिंगार तो सुहाग की निशानी हो, कुछ ले लो मैडम बहुत अच्छी लगोगी। इस सुहाग की निशानी को तो ही रख ले। भाई साहब कुछ दिवा दो, आप तो चुप बैठे हो। अरे मैं क्यों दिवा दूं, मेरी क्या लगे? जा रहा तू की खुराक लेके जावेगा। भाई साहब ये कैसी मैडम है, ये तो फाड़ खान कुंवारी है, अपनी मैडम को कुछ संभालो। फिलहाल तो हम ही संभाल रहे हैं, तू कहीं और जाके बेच ले, या तो आग फेंक रही है। हाँ तू रही ना तो जल जाएगा। हाँ तेरे जैसी पतंगियों पे जलूंगा मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाए बदतमीज। हाँ तू ही एक तमीज वाली बैठी है बस में, और कोई ना है, तुझे ज्यादा तमीज है। बस में तो कोई बिठा था ना इन्हें, खिड़कियों में से बनावे। हाँ तेरे ही बाप के हवाई जहाज चल रहे हैं। तेरे के तो बहुत चल रहे हैं ना, टिकट तो लिया जाता नहीं। अच्छा तेरा टिकट तो आया और बैठा हूँ मैं इसमें, बन रही है अम्बानी। रेडी फूल। हाँ तो फूल है हम, वो भी कमल के फूल है। भगवान के नाम पे घुस देते बाबा, भगवान के नाम पे घुस देते, दो दिन से पेट में कुछ भी नहीं गया, भगवान सच आपकी जोड़ी बनाए रखेंगे। अरे यहाँ तो बैठन पे जूत बज रहा, तू जोड़ी बनवा रहा। हाँ क्यों रहेगी मैं सच जोड़ी बनाने को। दे दे बाबा दे दे, भगवान तेरा भी भला करेगा। अरे मेरे पे ना कुछ देने को, यही देवगी जो कुछ देना है। हाँ तू दे रहे जो दूसरे को कह रहा, कुछ दे इसे और चलता कर। अरे मेरे पे तो किराए के 80 रुपए पड़े हैं और ना कुछ भी। अरे देवे क्या कुछ। अरे तू मारा ही सुलझेड़ा सा हो, लेन दे फिर थोड़ी देर में ले लिए। हाँ मैं थारे चक्कर काटता फिरूंगा। हाँ भाई पैसे। अरे अभी तो उससे ही पेंडा ना छूटे, अब तू आ चढ़ा छाती पे यार। अरे छाती पे चढ़ना बता रहे, किराए के पैसे दे जिसमें जा रहा है। ले पकड़ पैसे, सबके आग लग रही है, कितने डे टिकट के। अरे भाई साहब इनके पैसे कौन देगा, अपने तो दे दिए। मैं दूंगा, यू अपने आप देगी, मुझे क्या मतलब है इससे। हाँ ये अपने पैसे देगा, मैं अपने पैसे दूंगी। अपनी घर की लड़ाई में झुंडों का क्यों नाश कर रहे हो, अपने घर जाकर लड़ियो, मुझे 2.5 टिकट के पैसे दे दो। अरे इस बालक का तो स्टाफ चलेगा। स्टाफ चलेगा? यू कंजेक्टर है या ड्राइवर है जो स्टाफ चलेगा? अरे यू पढ़े, वैसे तो स्टाफ मेरा भी है। अरे तेरा काय का स्टाफ है? अरे मैं दिल्ली पुलिस में होया पड़ा हूँ न्यूमान, बस माड़ी सी कसर रह रही है, और जब मैं दिल्ली पुलिस में हो जाऊंगा तब अपने आप बैठाते फिरोगे। अच्छा तू तो पूरी दुनिया में स्टाफ बनाए फिरेगा फिर तो। अरे तुम्हारी पूरी सीट को स्टाफ की मान न्यू समझ। मैं क्यों स्टाफ में होती, मैं तो टिकट लूंगी। अरे जब तू टिकट लेने वाली ऐसी बन रही है तो तू सबके ले लेना मारे। अरे पहले दोनों डिसाइड कर लो कौन सा देगा, और मैं आगे टिकट काट कर रहा हूँ, इतने पैसे तैयार रखो। ओहो ऐसा लग रहा है स्टाफ चली जाएगा। अरे भैया राकेश, अरे राजेश के द्वारा फोन लगा ले, पूछ ले भैया कहाँ तक पहुँच गए वे। अरे तू चिंता ना मन, अपनी जगह बिल्कुल ठीक पहुँचेगा, बहुत बड़ा खिलाड़ी हो रहा हो।
अरे कुछ खिलाड़ी ना हो रहा हो, बालक नंदन में खेल खाल ले, उसे ना पता दुनियादारी की कुछ भी। अरे तुझे कुछ भी पता ना है, उसे कुछ पता हो या ना पता हो, उसे अपने मतलब की सारी बातों का पता, उसका कोई कुछ ना बिगाड़ सकता। कोई बिगाड़ के दिखाइए, हाथ ना तोड़ दूंगी। एक कोई ना बिगाड़ रहा तेरी रंगोली। और अक्षित आता कही है आज? आ जाएगा, अभी कौन सी देर होगी। हाँ वो लाने वाला ही ऐसा है, इतना लापरवाह भी ना है वो। हाँ वो तो सबका ध्यान रखा है। क्यों, घर का सारा काम वो ही ना करता, थोड़ा नटखट है, बड़ा हो जाएगा सुधर जाएगा सब। अब तक बड़ा ही ना हुआ वो। चल जो काम कर रही है वो काम कर अपना। ओहो देवर की बुराई ना सुनी जाती दिखे, ऐसे का के भरोसा, बस में सो जा। ना 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 शेखपुर का कोई टिकट तो ना बचा है। अरे उतर जाओ रे सब कोड़ी वाले, अरे भड़ंगपुर वाले भी तैयार हो जाओ। तो भाई मालिक नौकर मालिक सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन ध्यान दे। साहब नौकर साहब ही काफी है जी। अच्छा हम तुझे साहब कहते, साहब लग रहा है, एसडीएम लग रहा, माँ बाप ने रख दिया नाम साहब, तो साहब हो गया तू, नौकर ही रहेगा, यही बोल दोगा मारा। पर सो रहा, सुन नहीं रहा, खुद मार दूंगा जी, हंसे ना कर मेरी बातों में। तो एक बार क्या हुआ, मगया नहर के बराबर बराबर में आज सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो मगया नहर के बराबर बराबर जा रहा हूँ, वहाँ मिल गया मुझे चढ़ावा, ये बड़ा चढ़ावा। लेकिन मेरे बुड्ढू ने एक बात कही। थारे बुड्ढू ने? और थारे भी? अब मेरे ही थे बुड्ढे, और तो मुझे बुड्ढा मान ले, मैं ताजा ताजा, मैं पुराने बुड्ढे थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, अब कुछ भी हो जा चढ़ावे के साथ बोलना चाहिए। तो हमने हमने कहा उसे, हमने कहा ही नहीं कुछ, हम चुपचाप थे। चढ़ावे ने कहा आ जाओ कुश्ती लड़ ले, हमने कहा मतलब लड़ ले। हमने उसके साथ देख उस्तम कुत्ता, देख उस्तम कुत्ता, कभी वो ऊपर हम नीचे, कभी हम नीचे, कभी वो ऊपर, पूरी रात घमासान रहा। अगर भाई साहब कसम जमानी की मार गई मोसा, तू ही नहीं आए गड़ंग सुना जाकर यहाँ पकड़ू बैठा रहे खेत में, वहाँ मैं केला में डर और किसे पकड़ कर बैठू, तुम तो सुनते नहीं मेरी, ये भी बात जरूरी है। थारे पे भी रुका नहीं जाता खेत में, तुम भी आ लिए। मुझे तो आनी ना दो, तुम तो सारा काम बिगाड़ दिए थे, सबके बिगड़े काम सुख भी रखा। तू तो घने काम करे, एक फली की दो फली तो करी जाती देर पे। और तू ज्यादा ना बोल रहे, राम फूलर ने चढ़ा रखा सिर पे, मालिक बन रहा, नाम भी मालिक टिकवा रहा। मालिक तो यू है ही। और यू साहब है, और उल्लू के पट्टे हैं बाबा, मेरा नाम है। अच्छा नाम धर लगा तो टाटा बिरला हो जाएगा तू, नाम तो मेरा भी गरीबदास है। चंद्रो आ गई तू, मैं तड़की तक भूखा मर गया, तू ढंगी दो रोटी सेक। हाँ आज तक तो तुझे ढंग की रोटी मिली ना। रोटी पर नहीं आवे तेरे पे, पौधे मोटे मोटे घेसड़े, मोटे मोटे घेसड़े खा के ही तो तू इतना बड़ा हुआ है। अच्छा सारी दुनिया जाने मुझे कैसा बड़ा हुआ मैं। अरे लाली बैठ जा, ऐसी झगड़े तो घर घर हो गए, है तो तेरा आदमी। आदमी किंगे से दिखना है मेरा आदमी। भैया ऐसी तोप तो तू ही संभाल। हाँ तो मैं ही संभाल रहा हूँ, तू क्यों डर रहा। तू कैसे जाओगी, रिक्शा तेरा आयु, रिक्शे वाला तो तू लग रहा, चल उतर नीचे। अच्छा मैं पैदल जाऊं, मुझे क्या पता कैसे जाएगा, नीचे उतर। मेरे पे बैग भी है, बालक भी है, हम कैसे जाओगे। ठेका ले रखा मैं तेरे बैग का। तो अब ले ले ठेका, मैं कद मना कर रहा हूँ। ओ भैया ठेका ठुका तो लियो आगे जाकर, मेरे तो अभी तक बोनी भी ना हुई है, मेरे तो रिक्शा में लड़ो मत ना। हाँ तेरी रिक्शा ना, ऐसा कुरुक्षेत्र का मैदान है किसमें लड़ेंगे। अरे भाई तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म ना हुई अभी तक। अरे हमारी लड़ाई तो खत्म हो जाएगी, तू क्यों लद रहा है इसमें। अरे भाई ये आखिरी रिक्शा दिखे, फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। हाँ ताऊ ठीक कह रहा, रिक्शा तो ये आखिरी है। जब आखिरी है यू तो चलता क्यों ना, वहाँ किस है। अरे चलू तो सही, जबी तो जब तुम पहले अपनी मैडम को तो मना लो। अरे रिक्शा वाले भैया इसे उतारो और जल्दी चलो, अंधेरा होने लग रहा। फिर घरों में तो लड़ाई सबकी होती रहती है, ये थोड़ा ही ना आप एक साथ एक रिक्शा में भी नहीं चल सकते। अरे भाई बकवास दो करे मत, चल। हाँ मैं तो चलने लग रहा, मैं तो थारी दोनों की लड़ाई की वजह से रुक रहा। चलो चढ़ जा बेटा, चढ़ जा चढ़ जा, आजा 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 बैठ।
अरे भैया राकेश हम, अरे उनका दोरा फोन लगा के देख ले, दिन छिप गया। तू खामा खा परेशान हो रही है, जब तू कह रही तो देखू फोन लगा के। वो फोन न उठा रहा। अरे तो चंद्रा दोहरा कर ले। हाँ उसे रखी है फुर्सत, वो पीहर में जा रही है, उसे बात करने की फुर्सत है मुझसे। पता नहीं तुम कैसे कर कर रहे होगे। अरे भैया रोकिए बेटे, आगे सिद्ध मंदिर है, बस जाके माथा टेक लो, घर में सुख शांति हो जाएगी। मैं भी वहीं के लिए आया हूँ। ऐसा माथा टेकने वाली होती या तो यार राड़ी ना होती। तू टेकने मत था, तू झुका ले सिर, मुझे क्या कह रहा। बेटे दोनों में से कोई सा भी माथा टेक लो जाके, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपने घर वाले के सामने सिर झुकाने से कोई हर्ज नहीं। गृहस्थी ऐसे ही चलक रहे। ताऊ आज कुछ हो ना हो पर तू मेरी गृहस्थी चलवा के छोड़ देगा। बेटा हम क्या बता सके, बुढ़े आदमी दो अच्छी बात ही बता सके, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। अजी सही कह रहे थे, इसके बारे में हमने भी सुन रखा, यहाँ जाए से मुराद पूरी हो जा। तेरी मुराद पूरी होगी के? हाँ भैया मेरी तो होगी। तो तन्ने रिक्शा चलाने की मुराद मांगी थी के? अरे भैया ऐसी मखोल ना उड़ाया करते, टाइम कभी भी पलट जा। भैया मैं मखोल ना उड़ा रहा, तू जल्दी चल, तू इस खतरे में से हमें काट। लो फिर अभी काट देता हूँ बाबू जी। आ गया तू? मौसी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। आलिए हाँ, और ठीक है घर में सब? सब ठीक है जी। लेट हो गए आने में? अजी लेट के बस में तो ऐसा ही हो जा, सो लफड़े सो झगड़े, रुकती रुकती वैसे आवे और बाजा बाजा तो गले में घलन को तैयार रहे। एक राड तो यहाँ लो गली लो मेरी गैल आई है, न्यू समझ ली जैसे सारी बस इसके बाप की है, सब रिक्शा इसके बाप की है, बस तोबा बुला दी। हम तो राड बहुत बिछावे, यहाँ भी उपास शुरू कर दिया। आती बसता बसता तो यहाँ लो आया हूँ, हमारा एरिया होता तो उसके कान पे इतने लगाता। मगा चल रिश्तेदारी में आ रहा हूँ, मगा चल कोई बात ना, बहुत बिछाया हमने। क्यों भाई? ओ मेरा बेटा कितना सुकारा खाया है, कुछ खुआते ना हो के इसे? ना ना तू दे लिए घी की नाल, हमारे गांव में तो पड़ रहा सूखा, वहाँ ना मिल रहा किसी भी खान को कुछ। एक कुआ में तो बतेरा लगता ना इसके। ना या खुआ होगी अब। ज्यादा बोल रहा है। हाँ तो हमने सुखा दिया यूं। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ के लायो खाने को हमारे लिए? अरे खाने को ले आए, तो वह राड गले में पड़ी, उसने कुछ देखन ना दिया। फिर भी मैंने सोच रहा खरबूजे लेके चलूँगा पर कहीं दिखाई ना दिए। खरबूजे का टाइम है कहीं हो, ससुराल में आवे ना तो काजू की बर्फी लेके आए करें। हाँ हाँ काजू की बर्फी वाला भी आओगा दो एक दिन में, चिंता मत करे, लग रहा मावा कड़वान वो। ए जा जा तू आते ही राड मारने लग गई, कुछ खाने को ला दे। यू कहीं ना भुक्का फिर है, मौसी ने बतेरा खुआ के भेजा होगा। हाँ हाँ मौसी ने तो एक महीने का खुआ के भेज रहा, क्या तू चिंता मत कर। तू ज्यादा मत ना बोले, जा जा के दूध लेके आ। ठीक बात है। ठीक है मम्मी, आज मेरे बेटा दूध पिलाऊंगी। ए कैसा रहा तेरा टीचर्स डे? टीचर डे तो बढ़िया रहा। फिर फेस टू फेस कैसे हो रही है, किसी तो भिड़ का आई के? हाँ मेरे तो ये काम है सबसे भिड़ने का, ना भगवान ने कैसे कैसे नमूनों को पैदा कर दिया धरती पे, ना बात करने की अकल, ना बोलने का सहूल, ना सोने की तमीज। चल दिमाग को ठंडा रख और हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खाना बना लूँ, तेरे पापा भी आते होंगे। यो देख ले बालक की ओर तो पीठ करो पड़ी है। माँ जी कौन सा बालक अभी खड़ा होके भाग रहा है? भाभी अब तू 5 दिन की होली, लाला ना बैठ के दूध पियाएगा ना तो कान भैन लग जाएगा इसका। अरे दूध पी ले, घी पड़ा इसमें, सही दूध उतरेगा, पेट भर लेगा अपना, रो जाओ पूरे दिन। रख दो पी लूंगी अभी। रख देना खड़ी हो पीस है। इसका तो न्यू ही मुंह फुटे है, 5 किलो घी मंगवा के रखा मैंने, गर्ते भी करा पर या छुया भी ना है इसने। के करूं बता, फिर न्यू कहेगी मन्ने कुछ खुआया ना? खुआने में तो माँ मेरी सासू थी, अक्षित के होने में जबलो में दूध और संधा खाना लूती, मेरे आगे ही बैठी रहती थी, जब मैं खा लूती बैरन जब लिख रहती मेरे कोठे में तो। हाँ
मम्मी आज की खुरचन दीदी को दे देना। मैं ना खुरचन खा के मोटी हो रही, तू ही खा ले। ना दीदी, मैं तो रोज ही खाऊं, आज तुम खा लो। तू खुरचन की बात रहन दे, तू जा पहले अपने बाबा को दूध दे के आ। है भाई सुन मेरे, एक बात बता, तू रोज दूध पीएगा, दूध का नाश क्यों करे है थारी? ले बाबा दूध। ले, ले ला दूध दे दे। और तेरे मामा को भी दे दे। ले मामा दूध। अपने भाई को भी दे दे। ले भाई। ले और दे क्या दूध। ले मामा और ले ले। ये रहन देती तू भी, मान नहीं रही। भाई आजकल कहाँ दूध पीने को मिले, दूध घी तो करी हमारे टाइम पर मिले करते। भाई अध्यक्ष गिलासी में दे रहे, मेरे टाइम पे पहले में दूध मिले कर था, लोटो में दूध पिया कर थे, कसम जवानी की। ना मोसा नूना के घी में भी शब्द बत्ती पी जम्मा। ए मामा रहन दे, क्यों इस घी का भी नाश करे, गात में तेरे लगता नहीं, खाद बनाने की मशीन बना बैठा है। ले यू एक गिलास दूध मिले, इसकी भी तजे टाड़ करवानी हो तो टाड़ करवा ले। हाँ रेवती ले, चंद्रो के देवर को भी दूध दे क्या। भाई रोटी खाकर दूध पीने की बात ही कुछ और। हाँ नहीं है, सुबेरे को पेट धड़ाधड़ साफ हो जा। उधर क्या देख रहे हो चाचू? अरे यार चाची ढूंढ रहा हूँ तेरी निया। यहाँ कोई मिलेगी? मिल गई एक, पर पता ना कौन से घर में पड़ गई, अब दिख भी ना रही। पर चिंता मत करे, हम भी ढूंढेंगे, दूंगा तुझे चाची ढूंढ के। ठीक है, के निकासी मार रहा हमारे गाँव में, कुछ ठाके ले जाएगा के? ठाके ले जाना, पर दिख ही ना रही कहाँ गई। दिल तय ढूंढ, मिल जाएगा। दिल ते ही ढूंढ रहा हूँ। कुछ चीज ऐसी होती है सामने रहा पर दिखाई ना देती। अच्छा हाँ यार बात भी सही है बिल्कुल। चल छोड़ ले, दूध पी ले। चल अक्षित दूध पी ले। मेरा घर कौन सा भाई, कहाँ गया? ए, आ, आ, कौन सा भाई, किसने धक्का दिया है? कौन है? यूके जूता सब बज गया थारे काम में। जूता ना बजा, वो पिताजी आगे दिखे हैं शराब पी के। अच्छा मोसा भी कर ले कांड को। हाँ शराब पी के आते हैं पिताजी। घर तो मेरा और है। कुछ चाहिए? किसी और का है। ना ना कुछ ना चाहिए, बस देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। आहा तुम्हें शर्म ना आवे, घर में पोता हो लिया। पोता हो लिया तू, नाची नहीं नाची। हाँ नाची। तुझे शर्म आई है? तुझे शर्म आई? नहीं आई तो मुझे क्यों आवे है? चलो भी अंदर को, तेरे पैसे दे पी रहा हूँ। अंदर चलो। तेरे बाप के पैसे दे पी रहा हूँ यार, तेरा गहना बेच दिया है, तेरी जमीन बेच दी, घर में बहू बेटी देख रही है। चल भगवान सिंह समझ रही है, चल चल लक्ष्मी भाई बनाऊ। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए, बाप बन जाए, बाप बन जाए। कितने एक बाप बना लिए बोलो। क्या बात बतावेगे जीने तमान? जीने तमान तेरी पुप्पी है गे। नाना मामा, जीना तमान मारी होने वाली मम्मी। दांत पाड़ रहा तोड़ दे, दंत तू खेत में मर जा। चले जाएंगे, ज्यादा चू चपट मत कर, दांत तो घुमा दे लेना, एक महीने से संदा पाल रहा। रोटी तो मिलते नहीं, संदे की हवा उड़ा रहा, संदा पाल रहा बता रहा। छोटी मालकिन का यार जापा सा तू काट रहा, हम तो चले जाएंगे। जापा रहा सुनियो रे जाग, तो जापा तो मेरे टाइम को आ रहा था भाई, जिस टाइम सज्जन पैदा हो गया हमने इतना संदा बनाया, सज्जन की माँ ने इतना खाया और उसने क्या खाया, हमने खाया। चले गई सारे, चले जाओ, हम तो बतावेंगे, हम सुनावेंगे। तो भाई हमने इतना संधा बनाया, इतना छुआनी बनाई, अब पूरे गांव में बंटी जवानी की कसम, आजकल के जाकर सुनते ही नहीं कतई भी। ये चंद्र तू कहाँ चली? अरे मामा वहाँ सरला बुला रही थी, एक बार उसके यहाँ तक जाऊँ एक बार। ये तू अंडन आई किस काज से को करवान आई? मामा काज भी हो जाएगा, काज कहाँ भाग रहा है। अरे लाला सुनिए, तेरी बहुत सुन ली। ले भाई मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, अरे से सरला ने बुलाया, बुलाया तो कभी मारे जमाने में थे भाई ने, सज्जन की माँ ने बुलाया एक बार,
इतनी औरतें इकट्ठी होगी ढोलक ढोलक बजती रही और हाँ यहाँ तक सुनाई देती। आजकल तो अकेली अकेली चली जा, कुछ फायदा हो इस बात। अरे जब तक चार पांच औरतें बैठ के एक दूसरे की चुगली ना करें, भले उसमें भी कोई बात है। कसम जवानी की, अब तो जमाना बदल गया। नारी सुनो, हम बताओगे। हाँ बेटे, घर में सब ठीक है? हाँ जी। अरे मम्मी, बाबा दो बार आ लिया, चाय बनानी थी, सिलेंडर तो खत्म भी हो गया। अच्छा, मनर्चना और तो कही थी, वहाँ तो ना मंगाया? वहाँ तो ना आया, अब लाने वाले भी कोई ना है। अरे मौसी, मुझे बता के बात है। कुछ ना है भैया, सिलेंडर खत्म हो गया, कोई लाने वाला ना है। लाने वाला ना मैं हूँगा ना, मुझे बता कहाँ से लाना। क्या अच्छा लगेगा सिलेंडर लाते हुए? अरे मौसी कैसी बात कर रही है, मैं अपने घर का मैं ही लाऊं, सब बचे हैं मैं ही लाऊं। फिर उनका घर भी तो ना जानता तू। मैं क्या चल दूंगी। हाँ तू पहले भाग्य कर। अरे मैं अपने आप ठा लूंगा, तब मुझे एक बार घर सा बता दो। सिलेंडर के मैं तो पूरा टेम्पू ठा लूंगा, पर एक बार पता तो लगे। तू टेम्पू तो ठा लाएगा, पर मुझे तो ग्याल चलना पड़ेगा। तुझे कोई जानता तो ना है वहाँ पे कोई? हाँ तू इस गांव की प्रधान है जो सब जाने। आ चल तू आ जा, अब ले ठा कर सिलेंडर। तू मुझे ग्याल चलने के लिए क्यों मना कर रहा था? अरे बात हो गई ग्याल, अब कर लेके एक रह। बता। बताऊं? बताना छोड़, पहले मुझे सिलेंडर वाले का घर बता, फिर बताइए कुछ और। कुछ लोग ज्यादा भाव खावे। अरे हम ना खाते भाव पाओ, हम तो रोटी खावे, फ्रूट खावे, मिठाई खावे, खाने की चीज खावे, भाव तक के मतलब, समझ गई ना? कौन है तू? बाबा मैं सज्जन की हूँ। अच्छा बेटा मुझे घेर में पहुँचा दे। ठीक है बाबा। देख सुन, वो रखा सिलेंडर मत उठा ले। चल ठीक है, मैं बाबा को छोड़ के आऊँ। खाली पड़ा मकान। अच्छा यू धरा सिलेंडर तो। ओए तू। और तू? तू तो चोर भी निकला, मैं तो बदतमीजी समझ रही थी। रुक अभी बताती हूँ। चोर 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 चोर। मर ले कभी बनाऊ अभी चोर मारू लपट ठीक हो जाओगे ना। कहाँ है चोर? कहाँ है यूरा? सिलेंडर ठा रहा था मैंने पकड़ा। अजी मैं चोर नहीं हूँ, या छोरी बावली दिखे नहीं हुई, या बस में सबसे भिड़ती फिर रही नहीं हुई, यहाँ कर रही है। तू पागल है के? हाँ मुझे पागल बता रहा तू, पागल तेरा खानदान पागल। बस में तो तू बच गया, यहाँ बच के दिखियो। पिताजी पकड़ लो इसे और तोड़ इसके हाथ गोड़। हाँ तू भी आ जाते हो डेज के हाथ गोड़। ये तू तो बता है कौन? अजी मैं चाचा, यू चंद्रो का देवर है। अच्छा बेटा यह बात तो पहले बता देता। अरे तुमने चंद्रो ऐसे पागलों में बिहार रखी? अच्छा पागल बता रही है, मैं आके देखे हमारे गांव में कितना बढ़िया गांव है। और तू अब आई है, बना देते हैं मुझे चंद्रों का देवर। अब लो तो के बात होगी? के बात होगी? अरे मेरी खातर की तैयारी शुरू हो रही, भर देते भूस में रहा भी। अरे मेहमान है, मैं ऐसे थोड़ी हूँ अपने मेहमान उछेतेंगे। अजी यहाँ ऐसे ही लोग हैं, कल यह भिड़गी बस में मुश्किल से जान बची है। रचना तन्न भी हदी कर दी, बता तू तो मेहमान को छिटवा देती। हाँ इसके मत्थे पे लिख रहा मेहमान है, इसकी शक्ल तो देखो चोर जैसी लगे कहीं। अच्छा मेरी चोर जैसी लगे, तू लग रही है मिस वर्ल्ड। चलो जो है सो है, बात खत्म करो, मेहमान को चाय बनाओ। अजी चाय वाय छोड़ो, तब हमें सिलेंडर दे दो, चाय तो मैं वहाँ पी लूंगा। अब देख के रहिए ठुआ ना। मेंटली दिखे या तो ए रेवती, तेरी दादी केला अब तक ना आई, उसका दो दो बहुवारी है, उसका काम भी खत्म ना हुआ है। ले ये बेटी उन बुला के। ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अर्चना, ओ अर्चना। हाँ मम्मी क्या बात है? ये देखिए ये तो भरा हुआ सिलेंडर यहाँ रखा। हाँ वो रेवती और वो लेके दिखे खाली सिलेंडर। हाँ खाली लेके दिखे हैं फिर तो वो। जा फिर जाके उन्हें बता क्या ना, तो सोचेंगे हमने उन्हें जान पूछ के खाली सिलेंडर दे दिया। हाँ माँ जाऊँ मैं। चाची, ओ चाची। हाँ क्या हुआ? अरे जो सिलेंडर रेवती लाई है ना, वो सिलेंडर तो खाली है। पर वो सिलेंडर तुम्हारे रसोई में धरा, अरे ये बरामदे वाला उठा लाई। अच्छा होगा बेटी तूने बता दिए, नहीं तो बन लिए थे आज हमारा घेसले। घेसले तो सांझ को बजता फिर। राजेश, राजेश बेटे। हाँ मौसी के बात? मैं यू कहूँ थी, वो सिलेंडर तो खाली उठा लिया भैया। कौन के? यू अर्चना, यू ही तो बताने आई है। हाँ तो खाली दिया होगा इन्होंने, जैसा इन्होंने दिया वैसा मैं ले आया। तने बुझी किसी से कि अपने आप उठा के चल दिया? कोई बात ना, अब के भरे हुए उठा लाऊंगे, बता किसके ते लाना है। ये छोरी के साथ चला जा, इनके से लाना है। अरे इससे तो चोखा न्यू ठीक है, या तो लड़ पड़ेगी मेरी गैल रस्ते में। क्यों?
या तेरे सिंग मारे है? अरे शुक्र है इसके सिंग ना है, सिंग होते तो पेट पाट देती आप लोग। अब डर गया कि चलेगा भी? हाँ हाँ चल। ये सिलेंडर तो उठा ले पहले, क्यों ही उठ सम उठा के चल दिया। हाँ हाँ मैं उठा लूंगा, पर मैं अकेला कैसे उठाऊंगा, वजन है ठुआ इसे। आ जा ये ले। हरे गांव में सबके मुंह सूजे सूजे से क्यों है, मुझे लगे ऐसे भारे क्यों होते मुंह सूजे? बदतमीज लोगों से बात ही ना करते हम। ओहो तमें ही बहुत तमीज है बात करने की। ऐसा है मेरी गल चलना ना तो चुपचाप चल। अच्छा यह बड़ी दादागिरी है, कैसे चलना है तो हम देखेंगे। ए भगवान कहां से पल्ले पड़ गया। अरे माँ की बात होगी, तुम दोनों कहाँ भग्गे जा रहे हैं? जाऊँ तो भोले का लड़का बता के गा, भैंस खुल गई है। चल यूधर सिलेंडर उठा ले से। हैं इतना भारी सिलेंडर मेरे पे उठ रहा है? अभी तो इतना बड़ा पहलवान बन रहा था, अब तुझ पे सिलेंडर ना उठे। अरे ठाने को तो मैं इसे ठा दूंगा, जब तू भी बैठ जा जब भी ठा दूंगा। मुझे ठा के लेके जाने की तो सपने छोड़ दे। तू देखती जा अभी के के उठेगा। कम बोल, तू बोल ले घना है, सिलेंडर ठा ले चल। हाँ तो हमें नीरा नीरी सिलेंडर ठाने वाला समझ रही दिखे है तू? एक तो काम करवा रहा हूँ यहाँ आके, अरे ससुराल में आ रहे हैं एहसान तो मानते नहीं है कि हम सिलेंडर ढुआ रहे हैं थारे। से मैं आ तुझे चुरा लूं, बाहों में तुझको अपनी छुपा लूं, मांग में तेरे तारे भर दूं, तेरे सपने सारे सजा लूं। अपनी दुल्हन बनाऊंगा, ब्याह के मैं तने ले जाऊंगा, सोचे बिना होंगे जितने उतने तेरे लाड लड़ाऊंगा। तने अपनी दुल्हन जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना,
जग सुना सुना लग जग सुना सुना के छोटे इसमें पानी भर देना। अरे मम्मा तेरा सिर पे लगे तू थोड़ा सा पानी। अरे भूस भिगो भागा के। अच्छा मेरे दिमाग में भूस भर रहा। अरे मम्मा तेरा सिर तो बिल्कुल खाली है। अरे कचरे का डिब्बा। अच्छा हम कचरे के डिब्बे। अरे यहाँ यू कुकर पड़ा। अच्छा हम पड़े। अरे तुम दोनों पार्टी समझ नहीं रही बात को। तुम्हें 100 बार समझाया बड़े बुड्ढे की बात समझा करो। अब सुनो एक बार हम भूस ढो रहे थे तो हमें मिल गया छड़ावा। और छड़ावा क्या बड़ा छड़ावा। उसने हमें देखा हमने उसे देखा एक दूसरे को देखते रहे। अच्छा बात कौन से साल की है या उस साल की बात है जिस साल गेहूं कटे थे। कहां गए। अब है के सारे हैं। कोई बात नहीं आज नहीं सुनोगे तो कभी तो सुनोगे। और मैं भी यह बात सुनाया करूंगा। और तमें नहीं तीनों को पूरे कुनबे को सुनाया करूंगा। और कुनबानी पूरे गांव को सुनाया करूंगा। और गांव तो बहुत छोटी चीज है। पूरे शहर को पूरे देश को सुनाया करूंगा। एक दिन मैं टीवी पाऊंगा और सुन लो सब सुनाएंगे कसम जवानी की। ओ ले 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 अरे मेरा सोना मेरा बाबू। ओ ले 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 ओ मेरा बाबू। डॉक्टर बनेगा। ओ ले 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 अरे ओ रामफूल बड़ा का मुंह नहीं चुम्बिया करते इन्फेक्शन हो जाएगा। ये लाड इसके पढ़ाने लिखाने में खुआन पियान में करिए समझ गया के। मामा तेरी आज तक माननी तो है ना पर चल आज मान लेता हूँ। ओयो यो यू तो ऐसे ही कहता रहे आजकल के भी कहीं खेल रहे हैं क्या। खेल भी हमारे टाइम पर खेले करते कबड्डी कुश्ती एक गोड़ सा फेंक दे इसको मार के फेंक सर बॉल नहीं पकड़ी गई आपसे फिर जान कहां था वही अति और तेरी के छूट गई। अरे ये तो कीचड़ में चली गई। मार दिया छक्का। ओए ठग लिया। मैंने ना रहा ठगे अपने आप ठहला। मैं तो बोल दे के थक लिया। ठाके जो ले अब। ओए तू भी जा। हम ना लाते ठगे इतने लंबे लंबे मार रहा खुद उठा लिया। अरे तू उठा ले ओए ले पकड़ मैं ले आऊं। अच्छा अरे आगे बोल। वहीं आ जाते हम भी खेल रहे थे। यही खेल रहा सारे वर्ल्ड कप। अरे हमारी भी गेंद आई होगी। हाँ ये थारी ना दे रही मैं। अच्छा ये आई है तो दे दो। ना दे रही मैं। अरे दे दे ले पकड़। प्यार तो ऐसे छुपा रही है पर। ले मेरी गुलाबो जलेबी खा ले। जलेबी लायो तुम। तेनी तो जन केक के ले आऊं। मेरा बहुत मन करो तो कुछ हमसे। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। चल ले सुद्धा सुद्धा मत कर। जब से आया मेरे पास ना बैठा दो घड़ी।
के करना तेरे पास बैठ के? क्या करते हैं बैठ के? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? आ रहा हूँ मैं, तू चल। कहाँ क्या हुआ, चल तो रहा था साथ। कुछ ना होया। अरे तू चल, आ रहा हूँ मैं, जा। मेरा पर्चा ना दिखा था कल तुझे? हाँ मिला था, पढ़ा था तेरा फरमान। तो आई क्यों ना फिर तू? मेरी मर्जी, नहीं आई। वो आ गई होगी जिसे बुलाया। अरे उसे बुलाया था के मैंने, तुझे बुलाया था। तू सुधर जा, यह सारी गांव की छोरियों पे लाइन मारता फिर है। मैं कौन सी छोरी पे लाइन मार रहा हूँ? अरे मुझे जरूरत क्या इतनी हो कि मुझे पीठ भरनी है के? मुझे तो एक चाहिए ठीक ठाक सी। ठीक ठाक कैसी हो? तेरे जैसी। तू मान रहा है कि ना मान रहा? तू यूं मान रहा, दिखा किसी को कुछ ना पता, सब पता है। अरे यार पता ना, तू कैसी बात कर रही है, मैं तो बस। अच्छा चल, तू पर्चे में इंटरेस्टेड ना हो तो कोई मिलने का टाइम धर ले, मिलके बात कर लेंगे। तेरे से मिलके करने क्या है मुझे? अरे यार कैसी लड़की है, अरे प्यार में मिले ही करें यार। प्यार? अगर हमारे गांव वालों को पता चल गई ना, सारा प्यार मुंह और नाक की राह निकल जाएगा। मार बहुत लगा मैं हमारे गाँव के। अरे यार थारे गांव में यूं ही काम हो गया के, पकड़ लिया तो मारेंगे, पकड़ लिया तो पिटेंगे, बांध लेंगे। कदी न्यू भी कह देगा रख, हमारे गांव वालों ने पकड़ लिया तो ब्याह कर देंगे। गांव वालों तो डराती रहे हर वक्त, तू अपने मन की बता। देख सब लोग खेत पे ही है, ठीक है तू जा, चला जा, ना तो वो देख लेगा, खमखा की देवी तोड़ देंगे तेरी, पिट पिट आ जाएगा। जा अपना हिला देख। अरे एवं ही मान रही है, मैं के पीछे हटू न्यू? हाँ आजा बैठ जा भाई, कहानी सुनाऊंगा। हैं? मैं ना सुन रहा? अरे आजा कहानी सुन ले भाई, मेरी कहानी नहीं सुनता कोई भला भाई। अरे भाई लाला एक कहानी सुन के जाइए। बाबा कहानी ये सुनेंगे ना, सुना दे यार तू बैठ। चाचू के ले रहे हो? तू के ले वे? ए भाई तू बता। मुझे पता है, लेटर लिख रहे हो? लेटर लिख रहा हूँ, लिख लिया ही तो, तू भी पूरा ही है। हाँ तू दिया होगा? हाँ। अच्छा फिर सही जगह दिया, ये पता मत लगन दिए। मुझे चॉकलेट चाहिए। अरे चॉकलेट तू 5 ले लिए, तू चिंता मत करे, पर तू दे आजा। ठीक है मैं दे के आता हूँ। पर चाचा कौन सी को दे के आऊँ? कौन सी को? हाँ कौन सी को? पहले वाली को। साले को बता ऐसे भी कौन सी को दे के आना है। अजी रोटी आ गई, रोटी खा लो, अब तो बहुत मेहनत कर ली। अभी खा लूंगा। मम्मी मैं अभी आ रही, जरा 12 हो जाऊँ। ठीक है। मुझे लगा था दिमाग ठिकाने पे ना दिखे। दिमाग ठिकाने क्यों ना, मन्ने के कर दिया। यू के है? मुझे क्या पता के है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लव लेटर लिखने की? बात तो सुन। हाँ? लेमर छोटू तो मैं भी नहीं, चलो नहा लेते हैं इस बहाने।